मिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नैनो कार से देशी शराब बरामद, 45,000 रुपए की शराब के साथ दो युवक गिरफ्तार। कलेक्टर डीबी सिंह ने 102 अधिकारियों को जारी किए कारण बताओ नोटिस। सीएम हेल्पलाइन के मामले में लापरवाही बरतने का मामला, निलंबन की दी चेतावनी। 11 अगस्त को बाराघाट आ रहे हैं राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। सरकारी भूमि की जगह निजी जमीन पर बना दिए तालाब, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। शनिवार को मनाया जाएगा न्याय देवता शनिदेव का जन्मोत्सव। और पर्यटन स्थल को बंद करने पर तुले हैं वन विभाग के अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण थाना पुलिस की टीम ने गोंगलई तिराहा पर एक टाटा नैनो कार से करीब 45,000 रुपए की देसी शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने दो सगे भाई अविनाश लिल्हारे और चंदन लिल्हारे को गिरफ्तार किया है। गोंगलई निवासी दोनों भाइयों को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। ग्रामीण पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने गोंगलई तिराहे पर घेराबंदी कर इस कार को रोका और तलाशी ली तो उसमें से 44,460 रुपए की देशी शराब जब्त की गई है। सर, जो 44,000 रुपये की शराब पकड़ाई गई, क्या मामला था? रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महाराष्ट्र पास गाड़ी यहाँ से गोंगलई रोड से निकलेगी जिस पर से अवैध रूप से शराब रखी हुई है। सूचना की तस्दीक हेतु मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और आरक्षक धवारे आरक्षक लक्ष्मण सपाटे को साथ लेकर मौके पर पहुँचा जहाँ पर इससे ये शराब। दोनों गोंगलई के निवासी हैं, सगे भाई हैं दोनों, अविनाश लेलारे और चंदन लेलारे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी पैक्स के डाटा ऑपरेटर और सोसाइटी प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ ऋणी किसानों को फसल बीमा भारत सरकार के नवीन पोर्टल पर फीड किए जाने संबंधी जानकारी दी गई। आज आयोजित कार्यशाला में हमारे बीच पहुंचे आपको दो चरणों में कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। इसमें किसानों से संबंधित सभी बिंदुओं पर बारीकी से जानकारी से अवगत कराया जाएगा आपको। मैं राजेश नागपुरे, फील्ड सेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बालक। सर, आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है प्रशिक्षण? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2018 के क्रियान्वयन के लिए पैक्स के डाटा ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर का एक दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2018 में किस प्रकार से ऑनलाइन भारत शासन के पोर्टल में बीमा करना है और योजना का क्रियान्वयन कैसे करना है, इसकी पूरी गाइडलाइन आज इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे पैक्स के डाटा ऑपरेटर को दी जाएगी। चूँकि भारत शासन का पोर्टल इस साल नवीन पोर्टल के रूप में आया है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पोर्टल को कैसे हम सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन करें। जितना अच्छा डाटा पोर्टल में फिट होगा तो निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो किसानों को मिलेगा, दावा हमारा सही रूप में आएगा। मतलब किसानों के लिए पूरा परफेक्ट है? किसानों के लिए किसानवार जानकारी पोर्टल में फिट होती है। जिले का कोई भी किसान जो प्राइमरी पैक्स का ऋणी सदस्य है वो अपने बीमे की जानकारी खरीफ 2018 की इस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके देख सकता है। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही किसान देख सकता है कि अन्य किसान भी देख सकते हैं? हम अपने कोऑपरेटिव बैंक से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जो ऋणी किसान हैं उनका बीमा चूँकि अनिवार्य होता है तो
अनिवार्य है, इसलिए हम उन्हीं की बात करें, ऋणी किसानों की। और जो अऋणी किसान है उनका बीमा स्वैच्छिक होता है, वो चाहे तो हमारी समिति में आके बीमा करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी समितियों से जिनने 2018 में ऋण लिया है तो उनका बीमा अनिवार्य है ऐसे किसानों को। खैर, राज्य क्षेत्र के ग्राम मिरकपुर के अनेक किसान शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए इन किसानों ने उनकी कृषि भूमि के लिए राजीव सागर बांध की नहर से पानी दिए जाने की मांग की है। विश्वेश्वर पटेल कहाँ से आए? ग्राम पंचायत मोगांव का। किस मामले को लेकर आए थे जब? हम लोग आए राजीव गांधी परियोजना योजना है, इसका जो नहर हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर के अंतराल में कहना चाहिए जो बरसवाड़ा नांदी मोगांव गुडरू के बीच से जो गया है, जिसकी सिंचाई जिन गांवों को होना चाहिए था उसमें से कुछ गाँव छूट गए हैं और वो पानी बहुत दूरी तक चले गया। हम करीबी लोग इससे वंचित रह गए, चूँकि वहाँ हमको गुमराह किया जाता है कि आपके गांव की ऊंचाई बहुत है, लेकिन हमारे हिसाब से हम भी किसान हैं, हमको भी किसानी का अनुभव है, जिससे हम देख रहे हैं कि उसमें चाहे विभागीय स्तर से उसमें गहराई करके केनल को सब गांव को उसमें डाइवर्ट किया जा सकता है। हम इसकी लड़ाई इसके पहले भी मौखिक रूप से कुछ लिखित रूप से भी अन्य विभागों को सूचना दी है, लेकिन आज तक हमारे किसी प्रकार कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस कारण हमको आज ये लड़ाई को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक आना पड़ा। हम माननीय कलेक्टर महोदय, अन्य सभी विभागों से, राजीव गांधी परियोजना अधिकारी, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो केनल हमारे गांव से गया है बुडरू घाट और टिकाड़ी के बीच से जो गया सुकड़ी के, वो केनल सावरगांव, बुडरू घाट, मीरकपुर, मोहगांव घाट, पांडरवानी, टिकाड़ी, इतने गांव में इस नहर को खुदवा कर इन गाँव को सिंचित कराए। कितने किसानों का हित हो सकता है इसमें? लगभग 10,000 10,000 किसानों का हित हो सकता है। कलेक्टर डीवी सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ 102 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं निलंबन की कार्यवाही की जाए। इन अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि उनके निराकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है और अधिकारियों द्वारा इस कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पुलिस, नगरीय निकाय, पंचायत राज, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, डेयरी, पशुपालन, लोक शिक्षण, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, विद्युत मंडल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मत्स्य पालन, रेशम, लीड बैंक, सहकारिता फसल बीमा, मध्यान्ह भोजन, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, खनिज कोष एवं लेखा के अधिकारी शामिल हैं। शिवसेना के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपकर बहिगांव में सरकारी भूमि को छोड़कर निजी भूमि में तालाब निर्माण करवाने वालों पर कार्यवाही की मांग की गई है। इस संबंध में शिवसेना जिला प्रमुख डॉली दमाहे ने बताया कि बगदरा निवासी सुखदेव लोधी की बहेगांव में जमीन है, उसकी निजी जमीन पर पंचायत के पूर्व सरपंच सचिव द्वारा तालाब बना दिया गया है, जिसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं किसान सुखदेव ने भी पूरी जानकारी दी। करने वाली जनता चौराहे पर भूमि ताकि भूमि को छोड़कर निजी भूमि में तालाब निर्माण कौन तालाब वाला है? क्या मामला था? तो जब उनको शासन ने जब राशि दी तालाब बनाने के लिए तो उनने शासन की जमीन को छोड़ करके मेरी जमीन पे तालाब का कार्य किया। आपने कोई आवेदन किया था क्या? हाँ, आवेदन किया था तालाब निर्माण किया, हाँ, किया था, आवेदन किया था, कलेक्टर साहब को भी किया था, एसडीएम को किया था, तहसीलदार को किया था, लालबारा थाना में दिया था उनको। तो जब थाने में उनका बयान हुआ तो वो बोले कि इनकी कोई ज़मीन गई नहीं है। फिर जब कलेक्टर साहब ने उनको एक बार वो किए थे कि ज़मीन इनकी गई या नहीं गई है उसकी जाँच रिपोर्ट दो करके, तो पटवारी बोले कि इसमें सिर्फ 40 डिसमिल ज़मीन गई है, पटवारी बोले।
अब ना उसमें जैसे कार्य किए उनने तो पंचायत में ना हमें कोई सूचना दी उनने कि भाई आपकी ज़मीन पे निर्माण का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई सूचना भी नहीं दी उनने। जब उनको बोलने गया हमें कि भाई आपने मेरी ज़मीन पे डैम कैसे बना दिए, तो बोले हमसे बोले गलती हो गई, बोले हमने बोले कागज भिजवा दिए भोपाल से आ रहा है तो ये बाजू की ज़मीन आपको दे देंगे। इस टाइप से करते करते उनने आज हमको यहाँ तक के ला दिए कि ना हमको अभी ज़मीन का मुआवजा मिला है और ना ज़मीन का फसल के नुकसानी मिली है और ना हमारी ज़मीन को जैसी कि वैसी आज भी पानी में डूबी रखी है। ये 8-9 में हुआ। जनपद पंचायत लालमर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहगांव आती है, तो बहगांव पंचायत में शासकीय भूमि में तालाब निर्माण न करवाते हुए ग्राम निवासी बगदरा के सुखदेव बल्लेरे के निजी भूमि में तालाब का निर्माण कराया गया है, जो किसान आदमी सरासर अन्याय है, क्योंकि आज किसान बहुत परेशान है। उसके तालाब निर्माण होने से आज उसके परिवार में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो जबकि किसान ये बोल रहा है कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लूँगा। एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि मान लो किसान लोग को सुविधा देंगे, साधन देंगे, खेत देंगे फसल करने के लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए, और एक तरफ ये सरकार प्रशासन शासन दोनों मिलके लूटपाट कर रहे हैं, किसान की ज़मीन में निजी तालाब बना रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो पंचायत के द्वारा जो तालाब पर निर्माण करवाया गया है तो किसान को इंसाफ मिलना चाहिए। किसान का जो ज़मीन में तालाब बना है उसका यानी जो पहले उपजाऊ ज़मीन थी उसको जैसे कृषि उगाने योग्य उसको ज़मीन को ठीक किया जाए, और जिस दिन से किसान की ज़मीन में तालाब बना है उस दिन से आज दिनांक तक उनको पूरा उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी ज़मीन वापस होना चाहिए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। अगर उनको प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का 11 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। मंत्री श्री गुप्ता 11 अगस्त को सुबह 7 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। वे यहां आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5:30 बजे गोंदिया होते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगे। नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में इस वर्ष भी सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल जी का 40 किया जा रहा है। यह 40 कार्यक्रम 16 जुलाई से शुरू हुआ है जो 24 अगस्त तक चलेगा। इधर 10 अगस्त को आश्रम में थाली सजाओ प्रतियोगिता की गई, फिर भगवान झूलेलाल जी की महाआरती की गई, इसके बाद महाप्रसाद का समापन होगा और 24 तारीख को भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में होते हुए मोती गार्डन पहुंचेगी।
और वहाँ समापन किया गया। सावन मास के अवसर पर नगर के पुराने श्री राम मंदिर में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 6 अगस्त से शुरू हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान 15 अगस्त तक चलेगा। इस राम कथा में पंडित मधुरेश मिश्र द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र और लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इस राम कथा में शुक्रवार को श्री राम भरत मिलन प्रसंग का वर्णन किया गया। इस राम कथा में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर लोग पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी जिले की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ भी भारी अव्यवस्था का आलम है। यहाँ मंडी के चारों तरफ गंदगी फैलने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश से किसानों का धान भीग गया, जिसको लेकर किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाया। इस संबंध में जब कृषि उपज मंडी के सचिव कुंवर शाह से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही 5 करोड़ रुपए की लागत से नई मंडी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धान को भीगने से बचाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या मंडी में क्या लेके आए थे आप? धान लेके आए श्री राम। श्री राम तो क्या रेट गया? 2410। और जब बारिश हुई तो क्या सर परेशानी आ रही? परेशानी तो यहाँ पानी मंडी गिर रहा है, मंडी में पानी गिर रहा है। तो मंडी के ऊपर छतों से पानी टपक रहा है क्या? छत से नहीं, बाजू से। बाजू से टपक रहा है। तो सामने में एक परिसर भी है, वहाँ भी पानी भर रहा है। पानी भराना है टोंगरा में। अच्छा, आना जाना हो पा रहा है कि नहीं? वहाँ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। जैसे कितने कुंटल धान यहाँ भींग गई होगी किसानों की? किसानों की जब भी यहाँ 50 कुंटल धान भींग गई है क्या? तो किस तरह से परेशानी हो रही है? जैसे ही बारिश हुई में तो यहाँ परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक। अरे धान गीली हो जो कि उसको उठाना पड़ रहा है? हाथ से उठाना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपका काटा नहीं हुआ तो क्या उसमें वजन लेंगे ज़्यादा वो लोग? फिर जैसे गिली हो गए धान तो मुद्दा लेना चाहिए, लेंगे हम किसान सूखी लाए थे, अब यहाँ आने के बाद में गिली होगी तो हम क्या करेंगे? क्या व्यवस्था नहीं मंडी में? तो अगर ज़्यादा लेते तो आपका नुकसान है इसमें? नुकसान तो है ही नहीं। जैसे आपने बारीक वरायटी की धान लेके आए हैं तो बारीक वरायटी की जो कीमत लगी, क्या कीमत की खरीदे उनने कुंटल? हमने तो खरीदी तो हमारी तो अलग थी, अब यहाँ की खरीदी के हिसाब से तो बहुत खा जाए। बहुत खा जाए। तो क्या लगता है आपको क्या मिलना चाहिए इसका दाम? इसका दाम तो हमको 2700-2800 रुपये करीब करीब। अरे 3000 रुपये कुंटल होना चाहिए बारीक धान की वरायटी। फिर सरकार एक तरफ कह रही घोषणा कर रही है कि किसानों की आय दोगुना, वो तो करती रहेगी। बीजेपी तो ऐसी भी करती रहती है हर समय, तो ये किसान का ऐसा भी घाटा है, सोडा में भी घाटा है, सब में घाटा आ रहा है। हम तो किसान के हमारे तो धान लेके आए थे मंडी। हाँ भैया, धान लेके आए थे। कौन सी वरायटी, कितने कुंटल धान लेके आए थे? बारीक वरायटी है श्री राम की। श्री राम RPM जी। तो क्या स्थिति है मंडी में अभी? मंडी में व्यवस्थाओं की कमी है, पानी से धान पूरी भींग चुकी है, इस वजह से किसानों को भी दिक्कत जा रही है। ये तो धान भींगी है तो धान उस कीमत में खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? वो तो खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। देखते हैं अभी कुछ वजन वगैरह में कुछ ज़्यादा तौलते क्या तो पता नहीं। क्या लग रहा है वजन ज़्यादा तौलेंगे तौलेंगे ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। तो कितने कुंटल धान भींगी होगी यहाँ पे आसपास? सैकड़ों कुंटल भींग चुकी है। सैकड़ों कुंटल में। मुख्य कारण क्या है यहाँ पे भींगने का? मुख्य कारण यहाँ का जो प्रशासन है, मंडी प्रशासन, उसकी लापरवाही उजागर होती है। पानी कैसे अंदर प्रवेश किया? पानी यहाँ की सतह है अच्छी नहीं है और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, सामने पानी भर चुका है। व्यवस्था नहीं है, गंदगी का आलम है। तो गंदगी का आलम है, व्यवस्था पूरी सिनमिन है यहाँ की। जैसे मान लो कृषक बाहर से आते थे, यहाँ कोई सुविधाएं मिलती उन लोगों को? सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं। वारा जिले के गायत्री शक्तिपीठ में श्री राधा माधव सत्संग मंडल के तत्वाधान में 8 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को आचार्य जी द्वारा सती चरित्र, ध्रुव चरित्र सहित अनेक प्रसंगों का वर्णन किया गया। Oh,
सच यह है जो आनंद आज लड़ुआ खाए में अनुसुईया जी के यहाँ आयो यहाँ गायत्री मंदिर गायत्री शक्तिपीठ वाराशिवनी में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया गया है जो 8 अगस्त से 15 अगस्त तक यह आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में जो वक्ता है जो भागवत सुनाने वाले हैं वह वृंदावन के श्री हरि श्री ललित वल्लभ नागाचार्य जी है। क्या बताया जा रहा है कथा में किसके कौन से भगवान के बारे में? श्री कृष्ण जी में श्री कृष्ण जी के पूर्व जन्मों का विवरण है। उनके द्वारा तरह तरह के नाना प्रकार के जो स्वरूप धारण किया गया उसका विवरण इस कथा इस महाकथा में बताया जा रहा है। और क्या कार्यक्रम होने हैं इसमें? इसके अलावा 15 तारीख कल 11 तारीख के दिन कृष्ण जन्म देवादिदेव महादेव की आराधना सावन मास में विशेष फलदायी बताई गई है। इसी के चलते इस महीने भोलेनाथ को प्रसन्न करने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी क्रम में नगर के नए सराफा बाजार स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव रुद्राभिषेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शुक्रवार को यहां हवन पूजन किए गए। शनिदेव का जन्मोत्सव 11 अगस्त को मनाया जाएगा। नगर के शनि मंदिरों में शनिदेव के जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसी दिन सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। नगर के नए सराफा बाजार स्थित शनि मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना सहित अनेक कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि शनिवार को ही शनिदेव का जन्मोत्सव आने पर इस वर्ष यह पर्व विशेष महत्व रखता है। लालबर्रा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ईवीएम और वीवीपैड मशीनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 10 अगस्त को भी विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। देखो एक मिनट यहाँ से ओपन करूंगा इसके बाद ही डलेगा। अच्छा कर डाल सकते हैं जिसको आपको डालना है जिसको डालना यहाँ देखिए आपने जो दबाया वो आया या नहीं आया आ गया ना चाहिए आप नाम लिखवा दीजिए। पैट में आपको ये पर्ची दिखेगी तो आपको ये हो जाएगा हमारी अरे पर्ची के बटन चालू करो रुक के पर्ची के बटन चालू कर।
ये इसमें ये होगा कि अपन जो वोटिंग मशीन में वोट डालते हैं यहाँ पे सभी जितने भी पार्टीज रहेंगी उनके बारे में वो रहेंगी, क्या लोगो बना रहेगा उसका नाम रहेगी, ठीक है। आप जितने भी वोट डालोगे वो वोट का जो पिक्चर है आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें भी आप लाल बर्रा है आगे, लाल बर्रा के बाद पूरा जाएगी, मंजई जाएगी, पन्नेवर का ला जाएगी और जाम जाएगी, होती जाएगी और अंतिम जो है अतरी और तकिया। सर पंचनाशा ये जो ईवीएम मशीन है इसे क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को? संदेश ये जाता है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मतदाताओं को आगामी में चुनाव है, मतदाताओं को नई टेक्निक से किस तरह से वोट डालना है उसके बारे में वोटिंग मशीन और उसके साथ में वीवीपैट मशीन जो है वोटर वेरिफिकेशन मशीन के बारे में ट्रायल करके किस तरह से मतदाता को यह आगामी में जो वोट डालना है उसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सर कहाँ कहाँ घूमे? आज का प्रोग्राम हमारा लाल बर्रा से नदपुरा कंटली नेवरगांव जाम घोटी और दतिया का प्रोग्राम। ये सर कितने दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, कितने दिन तक ही चलेगा ये? हमारा पूरा लाल बर्रा तहसील में प्रत्येक ग्राम में मतदान के लिए जाकर लोगों को बताना है, शायद हमें 2-3-4 दिन भी लग सकते गाँव की संख्या। लालबर्रा के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 10 अगस्त को उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल सहित जनपद के अनेक सभापतियों की बैठक हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सदस्यों ने मंगलवार को जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी द्वारा आयोजित की जा रही जनसुनवाई पर विरोध दर्ज किया। बैठक में जनपद सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में नहीं बुलाने का आरोप भी लगाया। एक सामान्य चर्चा सभी जनपद सदस्यों के बीच रखी गई जिसमें हमारे लगभग 20-22 जनपद सदस्य उपस्थित हुए और निश्चित रूप से सभी जनपद सदस्यों का मानना है कि हमने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाया। जब हमने अविश्वास लाया है तो वो हमेशा मीटिंग में बोलती है कि विकास के कामों में जनपद सदस्य अड़ंगा लगा। जब आप उस पद के लायक हम लोगों ने समझा नहीं, सभी सदस्यों ने एक मत 21 सदस्यों ने जब उनको पदमुक्त कर दिया तो हम लोग किस आधार पर उनके साथ बैठने की कोशिश करें? नहीं तो प्रमुख एजेंडा क्या था बैठक का? बैठक का यही एजेंडा था कि आगामी 15 अगस्त के जो निर्णय लिए गए हैं उसके सभी सदस्यों की एक राय बनी कि नियम से तो सारा कोर्ट का आदेश है लेकिन नियम से सभी सदस्य बोले कि जब वो अध्यक्ष है नहीं कोर्ट से भले ही उसने स्टे ले आई है तो उपाध्यक्ष फहराए लेकिन हम लोगों ने उनका सम्मान करते हुए कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए हम लोगों ने सभी लोगों ने बोले कि जब कोर्ट का निर्णय उनके स्टे आ गया है तो हम उन्हीं को खासतौर पे जनपद में उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष फहराया जाए, झंडा फहराया जाए। आज हमने जनपद पंचायत में एक विशेष बैठक रखी गई थी, बैठक में बहुत सारे विषय रखे गए थे, उन विषयों पर चर्चा की। चर्चाओं में ये कि 15 अगस्त के ध्वजारोहण के संबंध में चर्चा की है और जनपद अध्यक्ष पूरे जनपद अध्यक्ष किरण मड़ावी के संबंध में चर्चा की गई। कौन कौन सी मुद्दे रखे गए, बातें रखी गई सामने? मुद्दा ये है कि 15 अगस्त को लेकर के एक जो बैठक आहूत की गई थी जनपद पंचायत लालबर्रा में उसमें किसी भी जनपद सदस्य को बैठक में नहीं बुलाया गया, गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया। इसलिए मैंने हम लोगों ने सीईओ को लेटर दिया कि आप पुनः बैठक आहूत करवाया जाए क्योंकि चूँकि जनपद पंचायत ही यहाँ पर जो आयोजन करती है जनपद पंचायत करती है। अभी मेरा अंदाज है कि इंशाल्लाह 1 तारीख को या ऐसे कुछ है ना उन्होंने गणमान्य नागरिकों की लिया था जिसमें जनपद सदस्यों को बुलाया नहीं गया और हम लोग भी थे लेकिन हमको आमंत्रित नहीं किया गया और अध्यक्ष
को हमने 16 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव में हटा चुका है, जबकि उन्होंने निर्णय लिया है कि अध्यक्ष झंडा फहराएगी, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो उन्हें तो माननीय न्यायालय के द्वारा स्टे भी ला लिया है। नहीं नहीं ठीक है, स्टे ला लिया, लेकिन अभी हमारे नज़रों में तो हमारी अध्यक्ष नहीं है जी। भले ही स्टे आ गया होगा, आदेश पारित होने के बाद में अध्यक्ष झंडा फहरा ले, मीटिंग ले ले, सब कुछ स्वागत है उनका। अगर हाईकोर्ट अगर आदेश दे देती कि यथावत रहेगी हमारी अध्यक्ष, तो हम स्वागत करेंगे हाईकोर्ट का भी, ये बात नहीं है न्यायालय का भी। इसमें कुछ विषयों पर सभी सम्मानित जनपद सदस्य चर्चा करना चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे थे। और कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें कुछ ऊपर से मार्गदर्शन लिया जाएगा, और जैसे ऊपर से मार्गदर्शन आएगा उसके अनुसार फिर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। संघ का निर्देश रहेगा, उसी के अनुसार ध्वजारोहण किया जाएगा, जो निर्देश प्राप्त होगा उसी के अनुसार। कि प्रत्येक मंगलवार को प्रत्येक कार्यालय में शासकीय अधिकारी जनसुनवाई करेंगे, उसी का तहत सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालय में जनसुनवाई करते हैं, लेकिन इसमें कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उसको मनाही नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी अपनी समस्या रख सकते हैं, उसको किसी को मनाही नहीं है। उसमें शासकीय अधिकारियों को जनसुनवाई लेने का निर्देश है। शासन द्वारा पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बालाघाट जिले के अधिकारी पर्यटन स्थलों को बंद करने पर तुले हुए हैं। जी हां, मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर गांगुलपारा इको पर्यटन केंद्र है। यहां एक समय रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आकर प्रकृति के सौंदर्य को निहारते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस पर्यटन स्थल के प्रवेश द्वार पर पत्थर रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। गत दिवस इस पर्यटन स्थल पर घूमने पहुंचे कांग्रेसी नेता भूरू पटेल और आशुतोष बिसेन ने प्रवेश द्वार मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर कड़ा आक्रोश दर्शाया। मेरा नाम दीपक सुनील है। कहाँ से आए आप? गोंदिया से। गोंदिया से। अच्छा, क्या मनसा लेकर के आए थे यहाँ पर आप आज? अभी हम तो इधर गए थे घूमने, आपस में कराए। तो क्या क्या खासियत है इसकी? वो तो पता नहीं अपने को अपना। कैसा लगा? पहली बार है, अच्छा लगा ना? नहीं, फिर भी बड़ा फेमस जगह ये बालाघाट का। भैया, ये हमारे यहाँ पर जो है गांगुलपारा जलाशय है, और गांगुलपारा जलाशय के पास पंडार नाला है, झरना है। ये हमारी पुश्तैनी जो हम तो कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ये जो है पिकनिक स्पॉट है, और जो डैम है, लोग यहाँ पर बाहर से, गोंदिया से, जबलपुर से, इधर नागपुर से, जो बाहर से जो लोग आते हैं, उनको बालाघाट ज़िले के लोग अपने यहाँ पर घुमाने लेके आते हैं कि हमारे बालाघाट ज़िले में एक अच्छी जगह है जहाँ पर हमको पिकनिक मनाने जाना है, या मनोरंजन के लिए जाना है, या जाके देखेंगे तो माना जाए हमारे यहाँ देखो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी जगह है, उसको फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पर इसको रास्ता बंद करके, 2 साल से यही काम चल रहा है कि 2 साल से बंद करके लोगों का आना जाना बंद करके रखे हैं, लोगों को बेचारों का एंजॉय करने की जगह है, पिकनिक की जगह, जबकि ऐसा कोई यहाँ पर आज तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी या कोई दुर्घटना नहीं हुई जिसकी वजह से इनको रास्ता बंद करना था। तो ये यहाँ पर वसूली करते हैं मोटरसाइकिल वालों से, आज तक कभी पाप एरिकेशन बोलती है फॉरेस्ट बनाएगा, फॉरेस्ट वाले बोलते हैं एरिकेशन वाले बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें लोगों को प्रभावित कर रही है, पब्लिक को प्रभावित कर रही है। तो ये जो है हमारी मांग है, मेरी इसके पहले भी मैंने मांग की है कि ये यहाँ पर जो इको पर्यटक के नाम पे आप लूट मचा के रखे हो, और ये गलत तरीके से इसको जो रास्ता रोक के रखो, इसको खोला जाए, और लोगों के लिए इसको इको पर्यटक के नाम पे अगर बनाया गया तो उनको सुविधा दी जाए, उनको यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है गलत हो रही है। सर,
इको पर्यटन के नाम पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और ये जो सड़क है, जो सामने ये जो गेट के सामने ये जो सड़क है, ये सड़क स्टेट हाईवे के दर्जे में आती है शायद, और ये घाटी का क्षेत्र है। अगर इन्होंने यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है और वहाँ पर अगर वाहन खड़े रहेंगे तो आजू बाजू अंधे मोड़ हैं जो बड़ी जानलेवा दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो तालाब है ये कोई फॉरेस्ट की बपोती नहीं है, ये सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित तालाब है। और यहाँ पर जो गांगुलपारा और ये जो क्षेत्र है, पूरे जबलपुर संभाग का या मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी जब बालाघाट आता है अपने किसी रिश्तेदार के घर, तो एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर गांगुलपारा अपने परिवार और मित्रों के साथ घूमने आता था। परंतु ये रोकने से हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िलों के, महाराष्ट्र के भी, गोंदिया नागपुर के लोग गांगुलपारा विशेष तौर पर देखने आते थे। आज निश्चित रूप से मैं तो ये समझता हूँ कि संविधान का भी ये हनन कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके, क्योंकि आपका जो आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी घूमने की स्वतंत्रता पे आपको ये रोक लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी हम निंदा करते हैं। इस मामले में डीएफओ देवा प्रसाद जे से चर्चा का प्रयास किया गया लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दूसरी तरफ से रास्ता आवागमन के लिए शुरू है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नैनो कार से देशी शराब बरामद, 45,000 रुपए की शराब के साथ दो युवक गिरफ्तार। कलेक्टर डीबी सिंह ने 102 अधिकारियों को जारी किए कारण बताओ नोटिस। सीएम हेल्पलाइन के मामले में लापरवाही बरतने का मामला, निलंबन की दी चेतावनी। 11 अगस्त को बालाघाट आ रहे हैं राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। सरकारी भूमि की जगह निजी जमीन पर बना दिए तालाब, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। शनिवार को मनाया जाएगा न्याय देवता शनिदेव का जन्मोत्सव। और पर्यटन स्थल को बंद करने पर तुले हैं वन विभाग के अधिकारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज की ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।